तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले फेसबुक प्रोफाइल लुकिंग के बारे में। अब देखिए प्रोफाइल लुकिंग होता क्या है, आपको इस वर्ड से थोड़ा बहुत अंदाजा आ सकता है कि प्रोफाइल का लॉक होना, मतलब कि प्रोफाइल को हाइड करना या कह सकते हैं या फिर लॉक करना, जिससे हमारा जो प्रोफाइल हम यहाँ पे अपडेट करते हैं मतलब अपलोड करते हैं वो प्रोफाइल किसी को दिखाई ना दे, बस इसका यही काम है। बट करना कैसे है, उसका यूज कैसे होता है, अगर आपने पहले प्रोफाइल लुकिंग ऑन नहीं किया उससे पहले क्या होता है और जब ऑन कर दिया उसके बाद क्या होता है, दोनों प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाके, क्योंकि मुझे पहले दिखाना है कि अगर लॉक नहीं किया तब क्या होगा, क्या इन्फॉर्मेशन भी हाइड होती है या सिर्फ प्रोफाइल की बात आती है, और फिर लॉक करने के बाद क्या सिर्फ प्रोफाइल हाइड होती है या फिर इन्फॉर्मेशन भी हाइड होती है, और इसका फायदा क्या 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 नुकसान है यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला, नुकसान तो ज्यादा नहीं होगा बट फायदा है, तो ये वीडियो लास्ट देखना, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो मोबाइल के स्क्रीन पर जाते उससे पहले बता दूं, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ऐसे वीडियोस आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे और भी बहुत सारे कैटेगरी वीडियो चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सो गाइस आ चुके मोबाइल के स्क्रीन पे, अब चलते हैं यहाँ पे फेसबुक वाले अकाउंट में, और ये जो अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एक मैंने यहाँ पे टेम्पररी यूज़ कर रखा है, ये मेरा अकाउंट है और इसमें हम चले जाते हैं लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि इस अकाउंट को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, सिर्फ आपको कुछ सिखाना होता है तभी मैं यूज़ करता हूँ, तो अगर आप मैसेज वगैरह कर रहे हो तो शायद आपको रिप्लाई ना भी मिले। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ उसका प्रोफाइल, तो चलिए थ्री लाइन पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इस अकाउंट में जाएंगे मतलब अकाउंट के प्रोफाइल में जाएंगे और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सारे डिटेल वगैरह आ चुके हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अभी व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं अभी अपने ही अकाउंट में, देखिए यहाँ पे यही अकाउंट में अगर दूसरे अकाउंट से देखो यहाँ पे उस दूसरे वाले अकाउंट को हम लॉगिन कर लेते हैं, ये दूसरा वाला अकाउंट है इसको हम लॉगिन कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले अकाउंट में अभी क्या चल रहा है। तो मैंने अकाउंट सर्च कर दिया और ये हमारा गाड़ी वाला अकाउंट था, तो हम उस पर क्लिक करते हैं, अगर यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो प्रोफाइल ओपन हो रही है, अगर डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पे डिटेल सब कुछ दिख रहा है, अगर सी अबाउट और इन्फो में जाएंगे तो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, और चलिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया अभी ये ऑन नहीं हुआ प्रोफाइल लॉकिंग, ठीक है, अब चलते हैं उसी अकाउंट में जिसमें हमें प्रोफाइल लॉकिंग करना है, तो चलिए वापस उसी अकाउंट में चले जाते हैं। सो वापस हम उस अकाउंट में आ चुके हैं जिसमें हमें प्रोफाइल लॉकिंग करना है, अब यहाँ पे इसके लिए हमें जाना होगा नीचे सेटिंग में, फिर सेटिंग में जाएंगे फिर से यहाँ से, और फिर यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप नीचे चले आएंगे तो ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में आपको प्रोफाइल लॉकिंग देखने को मिल जाएगा, देखिए लॉक प्रोफाइल और क्या क्या होता है यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ओनली फ्रेंड विल सेंड द फोटो पोस्ट एंड स्टोरी योर प्रोफाइल, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड वाले ही देख सकते कोई और नहीं, वो भी बताऊंगा फ्रेंड रिक्वेस्ट करके और बिना फ्रेंड भी आपको दिख रहा है यहाँ, देखिए वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है, अब देखिए इसका लॉक करते हैं, देखिए लॉक योर प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं, तो देखिए यू लॉक योर प्रोफाइल ओके कर लेते हैं और हमारा जो प्रोफाइल लॉकिंग हो चुका है, अब इस अकाउंट के थ्रू दिखेगा क्योंकि हम खुद हैं तो वो दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बैक चले आके वापस उस वाले अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ पे आ चुके हैं, फिर से यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है सर्च कर लेते हैं हम, और फिर मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया और ये वाला हमारा अकाउंट है, तो यहाँ से हम इस पर हम क्लिक करते हैं, अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो लिख लिए यहाँ पे प्रोफाइल ओपन नहीं हो रहा, नीड लॉक्ड हिज प्रोफाइल, फिर यहाँ पे वगैरह ओनली हिज फ्रेंड कैन सी व्हाट, मतलब इस टाइम क्या है अभी हमने रिक्वेस्ट नहीं की, दोनों अकाउंट एक दूसरे से जुड़े नहीं है मतलब फ्रेंड में नहीं है, तो फिलहाल फ्रेंड में नहीं है तो नहीं दिख रहा, अगर फ्रेंड में है तो क्या होता है वो भी बताऊंगा, बट डिटेल दिख लीजिए यहाँ पे डिटेल दिख रही है, कुछ डिटेल दिख रही है, अगर और यहाँ पे नीचे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे नीड लॉक हिज प्रोफाइल, मतलब कि आपका ये प्रोफाइल कोई नहीं दिख पाएगा, यहाँ पे कवर फोटो भी दिख नहीं पाएगा कोई भी, इसका फ़ायदा क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ, फ़ायदा ये है कि आपका जो फोटो है कहीं वायरल ना हो जाए, देखिए अभी पहले क्या होता था कोई भी बंदा कोई अच्छा फोटो दिख रहा है तो डाउनलोड कर लेता था और कहीं उसका मिसयूज़ कर सकता था, तो यहाँ से क्या होता है कि अगर ये लॉक हो जाएगा तो कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा और सिर्फ देख सकता है उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है इसका, नुकसान तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, तो फ़ायदा मैंने बता दिया, अब यहाँ पे फ्रेंड नहीं है फिर भी हमें नहीं दिख रहा लेकिन हम फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते उस अकाउंट में, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने ऐड फ्रेंड कर दिया है और यहाँ से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट मैंने कर दिया, ठीक है, अब वापस उस अकाउंट में जाके इसको कन्फर्म करना भी ज़रूरी है, कहने का मतलब यह है कि एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट मिल चुकी होगी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए उस अकाउंट की रिक्वेस्ट मिल चुकी है, कंफर्म कर लिया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देख लीजिए ये अकाउंट फिलहाल यहाँ पे फ्रेंड में आ चुका, देखिए मैसेज वगैरह आ चुका, ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट है, अब देखिए यहाँ पे उस अकाउंट में जाके अब फिर से हम दिखा देते हैं यहाँ पे,
तो वापस उस अकाउंट में आ चुके, फिर से हमारा जो हमने जिसमें लॉक किया प्रोफाइल उस अकाउंट को सर्च कर लेते हैं। तो मैंने वापस सर्च कर दिया, फिर यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड में है तो ये प्रोफाइल दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई, जो कि नीड लॉकड वगैरह जो हमें एरर देखने को मिलता है, मैसेज देखने को मिल रहा वो अभी नहीं है। मैंने जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, दोनों फ्रेंड में हो चुके हैं, दोनों कनेक्शन हो चुका है, तो अकाउंट में जो प्रोफाइल दिख रही है, मतलब कि इसका ये प्राइवेसी है कि आप फ्रेंड हो तो दिख सकते हैं, मगर बिना फ्रेंड वाले नहीं देख सकते आपका प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल लॉकिंग ऑन कर देते हैं तो उसके बाद। क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात है आप जानते हो उसको, इसका ही आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे, तो जानते हैं तो जाहिर सी बात वो देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मिसयूज नहीं करेगा। लेकिन अननोन पर्सन होगा, कोई नहीं जानता आपको, और वो पर्सन आपने और लॉक मतलब ऑन नहीं किया तो आपका प्रोफाइल देख के मिसयूज कर सकता था, लेकिन वो फ्रेंड में नहीं होगा। और अगर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट करता भी है तो आप नहीं जानते तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक्सेप्ट जब तक नहीं होगा, फ्रेंड में नहीं होगा, तब तक वो प्रोफाइल नहीं देख पाएगा। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है। तो इस तरह से ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों प्रैक्टिकल करके दिखाया, फ्रेंड अनफ्रेंड में और लॉक अनलॉक में। तो ये इस तरह से काम करता है प्रोफाइल लॉकिंग, आप भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने जो प्रोफाइल को लॉक कर सकते हो और इसका यूज़ कुछ इस तरह से होता है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको, उसमें लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।